बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को सात तबाकुन गुनाह बताऊंगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बताए हैं। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सात तबाकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा, वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, दूसरा जादू करना, तीसरा किसी को नाहक मार डालना, चौथे नंबर पे सूद खाना, पाँच यतीम का माल हड़प कर जाना, छठे नंबर पे मैदान जहाद से भाग जाना, सात नेक औरतों पर तोहमत लगाना। बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद निसाई सब में यह हदीस मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सात तबाकुन गुनाहों से बचने का फरमाया है। नंबर एक, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, जादू कराना, किसी पर किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर लेना, मैदान जहाद से भाग जाना, नेक औरतों पर तोहमत लगाना, ये सारी बुराइयां आजकल हमारे माशरे में आम हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से इनकी पनाह मांगा करें और इनसे बचने की कोशिश किया करें। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।